दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ करवा चौथ मेकअप लुक शेयर किया है और ये मैंने लहंगे पे क्रिएट किया है इस लुक को, और बहुत सिंपल तरीके से क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं और पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नए हो मेरे चैनल पर तो आपका वेलकम है, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले रोज़ वाटर लगाया है अपने फेस पे एज ए टोनर। रोज़ वाटर लगाने से हमारा जो स्किन है वो फ्रेश रिफ्रेश हो जाता है। जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो पोर्स टाइटन हो जाते हैं और हमारा स्किन ग्लो करने लग जाता है, मीन्स हमारा जो फेस है वो ग्लो करने लग जाता है। तो टोनर लगाना मस्ट है। टोनर से हमारा जो फेस है वो मॉइस्चराइज हो जाता है। यहाँ पर मैंने जीविका आलमंड स्किन ब्राइटन फेशियल ऑयल लिया है। फेशियल ऑयल हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ये ठंडी के लिए, मीन्स विंटर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मॉइस्चराइजर से ज़्यादा फेशियल ऑयल अच्छा है हमारे फेस के लिए। विंटर के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा है, क्योंकि विंटर में हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसका ऑयल भी, फेस का जो ऑयल है वो भी चला जाता है। तो मॉइस्चराइज़र की जगह पे आप फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो, और जीबी का आलमंड जो है ब्राइटन फेशियल ऑयल वो तो बेस्ट है। मुझे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने अपने फेस पे लगा लिया और अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है और अपने फेस में एब्जॉर्ब होने देना है। जितना आप एब्जॉर्ब करोगे उतना वो आपकी स्किन पर बहुत टाइम तक अच्छे से स्टे करेगा। तो चलिए प्राइमर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लैक्मी एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर यूज़ किया हुआ है, और ये प्राइमर लगाने से हमारा फेस एकदम ग्लो करने लग जाता है, और प्राइमर लगाने से हमारी जो स्किन है वो ब्राइटन हो जाती है, प्राइम हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है और रेडी हो जाती है मेकअप के लिए। और प्राइमर लगाने से मेकअप ज़्यादा टाइम तक स्टे करता है हमारे फेस पे, और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देता फेस में। तो प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है मेकअप के पहले। तो प्राइमर भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ अपने फेस में। देख सकते हो मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, और मसाज करते हुए ही ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस में। फाउंडेशन के लिए मैंने कलर सेंस का फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है, और ये फाउंडेशन बहुत अच्छी कवरेज देता है और इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो जो इजीली ब्लेंड हो जाते हैं फाउंडेशन वो बेस्ट होते हैं, और कवरेज भी बहुत अच्छी देता है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, और मैं आईज पे भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कंसीलर नहीं यूज़ करने वाली हूँ। सिर्फ मैं कलर सेंस का फाउंडेशन ही यूज़ करूँगी इस मेकअप लुक में। आप देख ही सकते हो मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि कितना फास्ट कर रही हूँ, बट बहुत टाइम लग जाता है। एक मेकअप लुक क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो। नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। तो अब मैं अपने मेकअप को सेट कर लेती हूँ। तो मैंने कलर सेंस का ही कॉम्पैक्ट लिया हुआ है, और ये कॉम्पैक्ट मेरे शेड से डार्क शेड में आया है, तो गलती से मैंने ले लिया था और बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। तो अब क्या कर सकते हैं, ख़रीदा हुआ है तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो इसे मैं एज अ कॉन्टोर यूज़ करूँगी इन फ्यूचर। तो अभी तो मैं कॉम्पैक्ट की तरह ही लगा लेती हूँ। तो चलिए अब आई शेडो लगा लेते हैं। आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मी एब्सोल्यूट का इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट लिया हुआ है। तो मैंने ब्राउन शेड पिक किया, लाइट ब्राउन शेड पिक किया, और अपने आईज़ पे इनर कॉर्नर में क्रीज में अच्छे से लगा लूँगी, और उसके बाद मैं डार्क ब्राउन शेड यूज़ करूँगी। तो डार्क ब्राउन शेड मैं आउटर में लगाने वाली हूँ। तो आप देख ही सकते हो मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। तो चलिए आईब्रो फिल कर लेते हैं। आईब्रो फिल करने के लिए मैंने ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल यूज़ किया हुआ है, और इसका जो शेड है वो ब्लैक कलर का है।
अच्छे से मैं आईब्रो फिल कर लूँगी। मुझे आईब्रो फिल करना बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है आईब्रो फिल करते हुए, तो मैंने अच्छे से आईब्रो फिल भी कर ली है। यहाँ पे दोस्तों मैंने कलर सेंस का काजल पेंसिल लिया हुआ है और इसी में एज ए लाइनर यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने लगा लिया है, इसके बाद मैं चलिए मस्कारा लगा लेते हैं। मस्कारा के लिए मैंने कलर सेंस का ही मस्कारा यूज़ किया हुआ है और मैं 3 या 4 लेयर में मस्कारा लगा लूँगी। तो मैं बहुत स्लोली स्लोली लगा रही हूँ क्योंकि मेरे आईज बंद हो रहे थे, तो बहुत स्लोली लगा रही हूँ। दोनों आईज में मैं लगा लूँगी। तो चलिए दोस्तों हाइलाइटर लगा लेते हैं। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे स्वीस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ किया। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, आप देख ही सकते हो मेरा फेस हाइलाइट हो गया है और फेस भी ग्लो करने लग गया है। तो मैं ब्रश के हेल्प से लगा ले रही हूँ अपना हाइलाइटर अच्छे से। इसके बाद मैं ब्लश यूज़ करूँगी। तो मैंने ब्लश में लैक्मी एब्सोल्यूट का ब्लश यूज़ किया है, वो ड्यूज में है, 2 कलर है इसमें, तो दोनों भी मैं कॉम्बो करके लगाऊंगी अपने चिक्स पे, अच्छे से लगा के ब्लेंड कर लूँगी। चलिए लिपस्टिक लगा लेते हैं। लिपस्टिक के लिए मैंने 11 नंबर इन कलर का लिपस्टिक यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा कलर है ये। मुझे रेड कलर में कोई भी कलर हो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मंगलसूत्र पहन लूँगी, यहाँ पे मैं नेकलेस नहीं पहनूँगी, मंगलसूत्र पहनूँगी। तो ये लुक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और कमेंट भी करके बताइएगा कैसा है। मैं कमेंट का आपके वेट कर रही हूँ। तो मैंने इयररिंग पहन लिए हैं। इयररिंग पहनने के बाद मैं बिंदी लगा लूँगी और सिंदूर लगाऊंगी, उसके बाद मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही हूँ। सी आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।